हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्यूजेस, साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के डिफरेंट मेजर्स होते हैं, तो एक मेजर्स की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा मेजर है। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड, है ना। बहुत सारे नंबर का एक सेट है, या हम बोल सकते हैं कि एक सीरीज है जिसमें जो डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, कोई नंबर फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो कौन सा मेजर होगा सेंट्रल टेंडेंसी का। तो देखो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक सीरीज है और उसमें 3 2 टाइम रिपीट हो रहा, बाकी सब वन टाइम रिपीट हो रहे, तो 3 यहाँ पे फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ में या किसी भी सीरीज में, उसे हम मोड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, मोड रहेगा। तो ये मोड की डेफिनेशन दे रखी है क्वेश्चन में, और हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, मोड, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने का एक वे होता है ना। ऑप्शन नंबर ए में मेंशन कर रखा है मीन, तो मीन एक एवरेज होता है ना, मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं समटाइम, जो कि बहुत सारी वैल्यूज़ होती है उनको ऐड करके कितनी वैल्यूज होती है उनकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मीन का भी हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उसे हम मीन बोलते हैं। तो मीन एक एवरेज होता है, जितने भी हमारे पास डाटाज होता है उनका क्या एवरेज आता है, उसे हम मीन बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में मेंशन कर रखा है मीडियन, तो मीडियन जो कि एक सीरीज होती है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, और जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसे हम मीडियन बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्यूजेस भी हम डिस्कस करेंगे अभी, तो मीडियन भी आपको याद रखना। और रेंज यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में, तो हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू, है ना, किसी सीरीज़ की या किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है और लोवेस्ट वैल्यू होती है, उनके बीच का जो डिफरेंशिएशन होता है उसे ही रेंज बोला जाता है ना। जैसे कि एक से यहाँ पे 5 तक की कोई सीरीज है, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो जो हाईएस्ट डाटा है उसमें से जो लोवेस्ट डाटा है उसको डिडक्ट करने के बाद में जो वैल्यू हमारे सामने आती है, जैसे अगर 5 में से हम 1 को डिडक्ट करते हैं तो 4 हमारे सामने आएंगे, तो 4 क्या रहेगी, रेंज रहेगी। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, मोड यहाँ पर आंसर होगा, क्लियर है। नाउ इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं, वॉट इज़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग गिविंग डाटा एज बिलो, है ना। यहाँ पे डाटा दे रखा हमें, सीरीज दे रखी है ना, वो सारे डाटा की, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि मोड कौन सा होगा। अभी आपको पता चल गया है मोड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि किसी सीरीज में किसी डाटा में फ्रिक्वेंटली कौन से नंबर रिपीट हो रहा है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो 2 यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम आ गया, ठीक है। 3 यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हुआ, 4 यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम रिपीट हुआ, 5 यहाँ पे 1 टाइम हुआ, 6 यहाँ पे 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 7 यहाँ पे 1, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, और 2 कितने टाइम, 3 टाइम। तो 2 यहाँ पे फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है और वो 3 टाइम रिपीट हुआ, तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है उसे ही हम मोड बोलते थे। यहाँ पे क्या रहेगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 2 लिखा हुआ यहाँ पे ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा, बाकी बी नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर, है ना। जो भी स्कोरिंग सेट देर का जो वैल्यू देर की है, इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है ना। पहले मोड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, नाउ मीडियन हमें फाइंड आउट करना। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो भी हमें गिविन डाटा होता है, स्कोरिंग होती है, उनको एक असेंडिंग वे में हमें सेट करना होता है ना। असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट कर लेते हैं, तो सबसे लोवेस्ट 6 है यहाँ पे, उसके बाद में 10 है, देन 12 14 एंड 18, ये हमारा एक असेंडिंग वे में सेट हो गया। नाउ मैंने बताया कि इसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है ना, जो अगर इस असेंडिंग वे में देखे और डिसेंडिंग वे में देखे, दोनों से मिडिल मोस्ट आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोला जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो ओड वाले डाटा होते हैं उसमें हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, जब इवन डाटा होते हैं ना, जो इवन नंबरिंग वाले डाटा होते हैं, जैसे यहाँ पे तो 5 है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन समटाइम सीरीज 6 की होती है, तो उनके इन बिटवीन आता है, तो वो फॉर्मूला फिर वहाँ पर अप्लाई किया जाता है, और जो बीच वाली 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उनके बीच का अप्रोक्सीमेट डाटा वहाँ पर, या अप्रोक्सीमेट मीडियन वहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 12। तो ऑप्शन में क्या मेंशन कर रखा, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ 12, तो यहाँ पे मीडियन क्या रहेगा, डी 12, बाकी 18 नहीं होगा, 16 नहीं होगा और
सी में लिखा हुआ 16, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला हमारे सामने है, मीडियन इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, है ना। और एंथ के भी नंबर है, जो एंथ के नंबर में से टोटल नंबर ऑफ द गिवन डाटास और वैल्यूज, जो भी हमें सीरीज दे रखी है उसमें टोटल कितने डाटा है, टोटल कितनी वैल्यू उसमें ऐड कर रखी है ना, वो यहाँ पे एन इंडिकेट करा है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे टोटल 5 है, अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एन कितना आएगा, 5, है ना। तो 5 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सोल्व आउट करते हैं तो 6 बाई 2 3, जो 3 नंबर पे हमारी वैल्यू आ रही है। जैसे इधर से हम देखेंगे इसको पहले, है ना, सबसे बेसिक सी चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो जैसे कि 12 इन बिटवीन ही आ रहा है, सम टाइम 12 अलग साइड में हो सकता है ना, तो पहले हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, उसके बाद ही हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ये बेसिक सी मिस्टेक नहीं करना है ना, हमें सब कुछ आता है लेकिन ये एक बेसिक सी चीज़ हम छोड़ देते हैं, वैसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया था, जैसे कि 6 10 देन 12 14 और 18, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर की वैल्यू आ रही है 12, वो हमारा क्या रहेगा, मीडियन रहेगा। तो हमने फॉर्मूला के थ्रू भी सोल्व करके देख लिया और डायरेक्टली भी सोल्व करके देख लिया। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, है ना। रेंज का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा हुआ है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंशिएशन होता है उसे रेंज बोलते हैं। और डिफरेंशिएशन हम कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं, जब हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को हम माइनस करते हैं। देख लेते हैं यहाँ कहाँ मेंशन कर रखा, ऑप्शन नंबर ए में हाईएस्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट वैल्यू, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है हाईएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय लोएस्ट वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है हाईएस्ट वैल्यू एडेड विद लोएस्ट वैल्यू, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन कर रखा है हाईएस्ट वैल्यू माइनस बाय लोएस्ट वैल्यू, है ना। मतलब हाईएस्ट रेंज से हम लोएस्ट रेंज को माइनस करेंगे तब जो डाटा हमारे सामने आएगा, जो डिफरेंशिएशन हमारे सामने आएगा उसे हम क्या रेंज बोलेंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक सीरीज है ना, 1 2 3 4 5 तक सीरीज है, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 5 है, और लोएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को डिवाइड करने माइनस करने के बाद जो डाटा हमारे पास आता है वो ही क्या रहता है, रेंज। तो यहाँ पे 4 क्या रहेगा, रेंज, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करने के बाद में जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे सामने, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट मीन फॉर फॉलोइंग डाटा। नाउ अब ये मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोड हो गया हमारा, रेंज से रिलेटेड हो गया, मीडियन हो गया हमारा। नाउ ये मीन से रिलेटेड कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मीन मींस क्या होता है, एवरेज, है ना। जो भी वैल्यू में गिविंग होती है उसका एवरेज होता है उसे हम मीन बोलते हैं। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जितने भी जो वैल्यू देर की उन सबको ऐड करना है और वो कितनी वैल्यू है काउंटिंग में उनसे उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे सामने एक एवरेज डाटा निकल के आ जाता है। तो इन सबको ऐड करेंगे हम, है ना, 25 प्लस 7 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 18 प्लस 15, तो हमारे सामने डाटा निकल के आएगा 120, है ना, सबको ऐड करने के बाद। और इसको डिवाइड करेंगे, इनकी कितनी काउंटिंग है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में क्या वैल्यू आ रही है हमारे सामने, 20, तो 20 यहाँ पे एवरेज निकल के आ रहा है। क्लियर है ना? ऑप्शन में देखते हैं 20 का मेंशन करेगा, ऑप्शन नंबर ए में 120, तो ये नहीं आएगा ना। यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, सभी को ऐड करके ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते हैं, जबकि एवरेज इस प्रकार से नहीं निकल जाता, मीन इस प्रकार से नहीं निकल जाता ना। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है 80, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में है 21, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन कर रखा 20, 20, तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला हमारे सामने है, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स। जो भी सम, जितने भी हमारे पास डाटा है, वैल्यूज़ है, जो भी नंबर हमें दे रखे हैं उन सबको ऐड करना है, और कितने काउंटिंग में वो नंबर है उनसे उनको डिवाइड करना, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, तो वहाँ पे हमारा मीन निकल के आ जाएगा। तो क्लियर है मीन से रिलेटेड डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑल द फॉलोइंग आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि सभी सेंट्रल टेंडेंसी को के मेजर्स है ना, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी असेस करने के मेजर्स है लेकिन एक नहीं है। तो सेंट्रल टेंडेंसी असेस करने के जो मेजर्स होते हैं वो मीन, मीडियन, मोड होता है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएंस देर का
जो कि इसका मेजर्स ये नहीं है, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है एग्जाम में, तो मेन मीडियन मोड इसके होते हैं, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं होते। लेकिन यहाँ पे राइट क्या रहेगा, क्योंकि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमारा राइट यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, वेरियंस यहाँ पे राइट बनेगा, क्योंकि ये तीनों तो इसके मेजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पोजिशनल एवरेज इज अनोदर नेम फॉर वॉट, है ना। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोजिशनल एवरेज किसे बोलेंगे, जैसे एवरेज तो मीन को बोलते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेना, लेकिन पोजिशनल एवरेज हम किसे बोलेंगे ना, यहाँ स्पेसिफिक टर्म मेंशन करके पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज मीडियन का अनोदर नेम होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्लियर रखना बिल्कुल। क्यों बोला जाता है, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए असेंडिंग वे में सेट करते हैं, और असेंडिंग वे में सेट करने के बाद में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आती है उसको मीडियन बोलते हैं, तो इसलिए इसको पोजिशनल एवरेज भी बोला जाता है मीडियन को। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना। बाकी ए ऑप्शन नहीं होगा, अर्थमेटिक मीन नहीं होगा, सी मोड नहीं होगा, और डी जियोमेट्रिक मीन नहीं होगा। देखो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। जो अर्थमेटिक मीन होता है उससे कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी देता है जियोमेट्रिक मीन, जो कि रूट के फॉर्मूला के थ्रू डिस्कस किया जाता है। ये डिटेल की बातें हैं, वो फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज कैलकुलेट बाई नंबर्स अरेंजिंग इन न्यूमेरिकल ऑर्डर इज, है ना। सिंपल क्वेश्चन आ गया वापस, डेफिनेशन देर की है ना किसी की, और वो मेजर समय फाइंड आउट करना सेंट्रल टेंडेंसी का, कि एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है जो कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर्स होते हैं उनको अरेंज करना है एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर हम बोल सकते हैं, उसमें हमें सेट करना है, तो वो कौन सा मेजर होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कौन सा मेजर होगा, मीडियन, है ना। मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो भी डाटा दे रखे होते हैं, जो भी नंबर्स दे रखे होते हैं, उनको असेंडिंग वे में सेट करना होता है ना। असेंडिंग वे मीन्स बढ़ते क्रम में, है ना, छोटा वैल्यू रहेगा वो पहले लिखना, उसके बाद जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे में अरेंज करना। तो उस प्रकार अरेंज मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी। बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी रेंज नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी मोड हमारा नहीं होगा। क्लियर है एट्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे सामने, नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया NRSI वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, है ना। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछ ले जाता है कि NRSI कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1986 में। ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना। साथ ही एक और इवेंट हुई थी, जो BSc नर्सिंग का कोरिकुलम होता है, जो सिलेबस होता है, उसमें नर्सिंग रिसर्च को एज ए सब्जेक्ट एड किया गया था 1986 में। तो ये दोनों इवेंट आपको याद रखना, साथ ही जो NRSI की फुल फॉर्म होती है, नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना। बेसिक सी चीज़ें, लेकिन एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्लियर है नाइन्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव डाटा, है ना। डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, कि कौन सा डाटा यहाँ पे क्वालिटेटिव टाइप का नहीं है। दैट मीन्स कि थ्री जो डाटा है या थ्री ऑप्शन है वो तो क्वालिटेटिव डाटा से रिलेटेड बात कर रहे हैं, एक है वो मे बी क्वान्टिटेटिव हो सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव तो नहीं है। जो नहीं है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखो, जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं वह सैंपल की क्वालिटिटी से रिलेटेड, उसकी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड बात करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड बात करते हैं, या उससे रिलेटेड इंडिकेशन हमें मिलता है। तो क्वालिटेटिव डाटा जिसमें हमें क्वालिटी या जो भी हमारे पास सैंपल है उसकी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड वैल्यू होगी, तो जेंडर वेरिएबिलिटी, मैरिटल स्टेटस और एजुकेशन स्टेटस, तीनों डाटा क्वालिटेटिव डाटा है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड या कोई वर्ड से रिलेटेड नंबर से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात नहीं करें। जेंडर वेरिएबिलिटी की मेल है फीमेल है, कितना परसेंटेज मेल है कितना परसेंटेज फीमेल है, तो क्वालिटी से रिलेटेड। मैरिटल स्टेटस की मेरिड है अनमेरिड है ना, तो वो भी क्वालिटेटिव डाटा। एजुकेशन स्टेटस क्या है, तो वो भी क्वालिटेटिव डाटा। लेकिन जो ब्लड प्रेशर है, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन कर रखा है, ब्लड प्रेशर वो एक क्वांटिटेटिव डाटा है। मतलब इसमें नंबर्स की बात करें, जो भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स आती है वो नंबर्स की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वालिटेटिव डाटा नहीं होगा, ये क्वांटिटेटिव डाटा का टाइप्स है, जो कि हमारा राइट आंसर बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नोट पूछा हुआ या एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे सामने है, द डाटा विच कैन बी मेजर्ड इन फ्रैक्शनल वैल्यू एक्सेप्ट, क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है।
कि जो डाटा मेजर किया जाता है फ्रैक्शनल वैल्यू में, फ्रैक्शनल वैल्यू मीन्स आंशिक वैल्यू में, या हम बात करें कि पॉइंटों में जो बात की जाती है उसे फ्रैक्शनल वैल्यू बोलते हैं। अरे देखो, क्वांटिटेटिव डाटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्टीन्यूस डाटा और सेकेंड वन होता है डिस्क्रीट डाटा। तो जो कॉन्टीन्यूस डाटा होता है उसमें तो राउंड फिगर की बात की जाती है डायरेक्ट, वहाँ पे पॉइंटों की बात या फ्रैक्शनल डाटा की बात नहीं की जाती। और जो सेकंड होता है डिस्क्रीट डाटा, जिसमें पॉइंटों की बात की जाती। तो यहाँ पे तीन तो हमारे पॉइंटों से रिलेटेड मिलेंगे, और एक है जो हमारा कॉन्टीन्यूस टाइप का डाटा रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखो, बॉडी वेट परसेंट का पॉइंटों में हो सकता है ना, तो जैसे कि आप मेंशन कर 56.7 kg, तो ये नहीं होगा है ना, मतलब एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी लेकिन एक्सेप्ट है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा ना। हम डायरेक्ट आंसर की बात करें, बॉडी टेम्परेचर 97.4 है ना, यहाँ पे पॉइंटों में फ्रैक्शन में बात करी तो ये फ्रैक्शनल डाटा है लेकिन हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर है डी है चेस्ट सर्कमफ्रेंस, जो कि लिखा हुआ 112.5 cm, तो ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है बट हमारा राइट आंसर नहीं है क्योंकि ये एक डिस्क्रीट डाटा है। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन कर रखा ब्लड शुगर इज 125 mg/dl, जो कि एक कॉन्टीन्यूस डाटा है, फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पे कहीं दिख नहीं रही है, या ब्लड शुगर में फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है, डायरेक्टली जो राउंड फिगर में होते हैं वही डाटा मेंशन कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। तो क्लियर है ये क्वेश्चन हमारा। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए सीरीज में कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।